मॉर्निंग फिफ्थ क्लास बेटा, दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर 9, दैट इज स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, जिसमें हम स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रिलेशनशिप पढ़ रहे थे और उसके साथ पढ़ रहे थे कि अगर एक चीज़ आपको गिवन नहीं है और बाकी दो चीज़ें गिवन हैं तो आप कैसे जो अननोन वैल्यू है उसको निकालेंगे या फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, थर्ड क्वेश्चन हमें करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बोला था डिस्कस करेंगे, तो मैं आपको एक बार इनका मीनिंग समझा देती हूँ। क्वेश्चन आपको खुद ही करने हैं क्योंकि रिलेशनशिप एक ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीनों फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ। अ रॉकेट ट्रैवल 18,000 किलोमीटर इन 48 आवर्स, यानी एक रॉकेट है जिसने इतना डिस्टेंस कवर किया है इतने घंटों में, तो आपको स्पीड बतानी है। स्पीड आप लिखेंगे इक्वल्स टू डिस्टेंस ऊपर और टाइम नीचे, तो वो आप कर सकते हैं। अब इसमें स्टेटमेंट कैसे बनेगी, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है वो आप इसमें आपको स्टेटमेंट बनानी नहीं है, सिर्फ आपको कैसे करना है, जैसे हमने कल सीखा था, जैसे आपने कल किया था कि डिस्टेंस आपको लिखना है, टाइम आपको लिखना है और स्पीड लिख के आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। डिस्टेंस है 18,000 किलोमीटर, टाइम है 48 आवर्स और स्पीड आपको बतानी है। ठीक है, तो सेम आपको डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस की जगह पे डिस्टेंस लिखना है, टाइम की जगह पे टाइम लिखना है, सॉल्व करना है और नीचे हेंस वाली स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। सेम इसमें कार वाला भी है, कार ने इतने किलोमीटर ट्रैवल किया इतने घंटों में, तो आपको स्पीड बतानी है, सेम तरीका है। ठीक है, अ ट्रक इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर, एक ट्रक है जिसकी स्पीड कितनी है 84 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच डिस्टेंस विल ही कवर इन 5 आवर्स। तो आपको इसमें स्पीड यहाँ पर दी हुई है 84 किलोमीटर पर आवर और आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। आपको डिस्टेंस बताना है कि अगर इस स्पीड से वो चलेगा तो 5 घंटे में कितनी डिस्टेंस वो कवर कर लेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, सेम आपको क्योंकि इसमें डिस्टेंस निकालना है तो इस वाले फॉर्मूले को आप कैसे लिख देंगे, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड यहां पर डिस्टेंस के साथ है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो रही है यहां पर तो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा और डिस्टेंस यहां रह जाएगा। ठीक है, अ बस कवर अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर इन दिस एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, हाउ लॉन्ग डिड द जर्नी टेक, यानी 480 किलोमीटर्स जो है बस ने कवर किए हैं किस स्पीड के साथ 40 किलोमीटर पर आवर, तो कितना टाइम जो है, कितना टाइम उस जर्नी को खत्म होने में लगेगा, यानी इतना डिस्टेंस वो इस स्पीड में कितनी देर में कवर कर लेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको इसमें भी स्पीड और ये दी हुई है, अब आपको टाइम निकालना है। टाइम यहाँ से अगर निकालना होगा तो स्पीड इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब राहुल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखना है, किलोमीटर है तो आवर होना चाहिए, मीटर है तो सेकेंड होना चाहिए। तो राहुल की स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड है, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 750 मीटर्स विद द सेम स्पीड। अगर स्पीड इतनी है तो इतना डिस्टेंस कितने में कवर कर लेगा, यानी आपको सेम टाइम पूछा है। ठीक है बेटा, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक के अंदर करनी है। तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम आते हैं आपकी 9.2 पर, एक्सरसाइज पर, जिसमें आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है इसमें, तो कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, अगर आपको मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है तो किलोमीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये दोनों चीजें सीखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो यहां पर आपको दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में, किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, एक किलोमीटर में अगर 48 यहां पर किलोमीटर है और आवर नीचे है, यानी 1 आवर पर आवर का मतलब 1 आवर। ठीक है, तो एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मली पूछूं एक किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 1000 मीटर होते हैं, करेक्ट। तो अगर मैं आपको बोलूं कि आपको, यानी यहां पर किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है, तो 54 किलोमीटर में आपको कितने मीटर्स होंगे, तो आप बोलोगे मैम 54 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो मीटर में आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां पे जब आप कन्वर्ट करेंगे तो 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, करेक्ट,
क्योंकि ऐसे तो मीटर बनेगा ये। और अगर मैं आपको पूछूं 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, यानी या 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 1 आवर में तो 60 मिनट होते हैं, करेक्ट। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। और 1 मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो 60 सेकंड्स होते हैं। तो 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स हुए, तो आप बोलोगे मैम 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक का पूछा है, ज्यादा का निकालना है, तो 60 मल्टीप्लाई 60। तो ऐसे हम आवर से सेकंड में आ गए, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 जब आप करोगे तो ये सेकंड्स में आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? मैं आपको दोबारा से क्लियरली समझाती हूँ आवर्स वाला। 1 आवर में, क्योंकि हमें डायरेक्ट सेकंड का नहीं पता, आपको मिनट पता है, कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, करेक्ट। यानी आप 1 आवर बोलो या 60 मिनट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है, ये आपको पता है। अब मैं आपको बोलूं, क्योंकि मेरे को सेकंड्स में निकालना है, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, तो आप बोलोगे मैम 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, जब आपकी पूरी जो सुई होती है वो पूरा घूमती है, तभी तो 60 सेकंड्स होते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूं कि क्योंकि 1 आवर का मतलब ही 60 मिनट्स है, तो मेरे को यही तो निकालना है कि कितने सेकंड्स है इसमें, तो मैं 60 मिनट्स निकालूंगी। 60 मिनट्स में कितने सेकंड होते हैं, एक का पूछा है, एक का दिया हुआ है, ज्यादा का पूछा है, तो आप क्या करोगे 60 मल्टीप्लाई 60 सेकंड्स, ऐसे ही आता है, करेक्ट। तो मैंने 1 आवर की जगह डायरेक्ट ये पुट कर दिया, देखो 1 आवर का मतलब 60 मिनट, और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 मल्टीप्लाई 60, तो मैंने 1 आवर की जगह डायरेक्ट ये पुट कर दिया, तो देखो ये हो गया, ठीक है, ये कर दिया। और अब आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, 0 से 0 यहाँ कट हो गया, 0 से 0 यहाँ कट हो गया। 6 की 12 में 54 आता है, 6 1 6 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 7 4 2, 6 8 14, 6 9 54, करेक्ट। अब 9 और 6 दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 3 9, 3 2 6। अब 2 की टेबल में 10 भी आता है, 2 5 10, ठीक है। तो ये तो नीचे सब 1 1 हो गए, ऊपर क्या बन गया, 5 3 15, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। अब ये तो है बहुत लॉन्ग मेथड कि आप पहले निकालो, ठीक है। अब एक तो यहां से हमें दो चीज मिली कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ठीक है, और 1 आवर में, अगर 1 आवर को आपको कन्वर्ट करना पड़े तो 60 into 60 seconds आप इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, करेक्ट, 60 into 60। अब देखिए, तो हम डायरेक्टली, हम लोगों ने एक मतलब मैथमेटिक्स ने एक फॉर्मूला बनाया कि जब भी आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि जब भी आप किलोमीटर लिखते हो तो ऊपर किलोमीटर आता है, तो यानी ऊपर 1000 आएगा और नीचे आएगा 60 मल्टीप्लाई 60, करेक्ट, जैसे हमने यहां पर किया था। तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यहां पर आएगा 2 3 6, 2 5 10, तो ये आ गया, यानी 5 upon 6 3 18। तो यानी आपको जब भी ये कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्ट ये यूनिट करिए, ना कि इतना सब कुछ लिखिए। तो आपको डायरेक्ट क्या वैल्यू दी गई है, 5 upon 18, कि जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना पड़े तो आप डायरेक्ट उसको 5 upon 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब सेम नंबर को हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या ये आंसर पॉसिबल भी है या नहीं। तो 54 है, आपको किससे मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है कि 5 ऊपर रखो 18 नीचे रखो, यही बोला था, तो आपका मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, 18 1 18 18 3 कितने होते हैं, 54, तो 5 3 15, ये तो बिल्कुल यही आ रहा है। तो पूरा करने से अच्छा है आपके पास एक चीज है कि आप उसको 5 upon 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगर मीटर पर सेकंड दिया हो पहले और फिर उसको किलोमीटर पर आवर में करना हो तो इस नंबर को उल्टा कर दो, क्योंकि आवर नीचे चला जाएगा और किलोमीटर नीचे चल जाएगा और आवर ऊपर चल जाएगा, तो ये डिजिट भी उल्टी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में 1 upon 1000 होते हैं, तो 1000 वाली डिजिट नीचे चली गई ना, और 1 सेकंड में कितने आवर्स होते हैं, 60 upon इतना, और अपॉन में, तो ये डिजिट ऊपर चली गई, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके 18 आया था, ये डिवाइड करके यहां पर 5 आया था, करेक्ट। तो अगर आपको दिया हो 120 मिनट्स पर सेकंड को आपको कन्वर्ट करना है, देखो
120 को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18 ऊपर और 5 नीचे डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाएगा, 5 1 5 5 2 10 5 4 20। तो इसको डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करके यहाँ किलोमीटर पर आवर में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए कि कैसे आप लिख सकते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ आप किलोमीटर पर आवर हर स्पीड में हर उसमें यूनिट लिख के दिखाएंगे। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया, क्वेश्चन किस तरीके से करना है, ये है 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में लिखना है ना, तो 1 किलोमीटर पर आवर में कितने होते हैं 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, 54 किलोमीटर पर आवर में कितने होंगे, तो 5/18 मल्टीप्लाई 54 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक का पूछा, एक का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। अब आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये 1 से जाएगा, ये 3 से जाएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली लिखेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस तरीके से नीटली आपको करना है क्वेश्चन के साथ। अब यहाँ पर अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना पड़े तो आप लिखेंगे 1 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, उल्टा हो गया रेसिप्रोकल, जैसे ही मीटर आया ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको पूछा है 120 मीटर पर सेकंड में कितना होगा, तो एक का दिया हुआ है, ज्यादा का, एक का दिया हुआ है, ज्यादा का निकालना है, तो सेम 18/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 120 किलोमीटर पर, ओ सॉरी यहाँ पर तो आवर आएगा, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नॉर्मली आप यहाँ से कट करेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई करके अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है बेटा, ये ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो 9.2 में 4 ऊपर क्वेश्चंस है, 4 नीचे क्वेश्चन है, ये दोनों आपको नोटबुक के अंदर करने हैं। ठीक है बेटा, और इसके साथ टिक द करेक्ट जो है ये आप अपनी बुक में करेंगे, और आपका चैप्टर जो है 9 वो इसी के साथ फिनिश होता है।